दोस्तों खांसते खांसते ना पेट दर्द करने लगा था और लग रहा था कि मेरा पूरा जो है ना बेबी परेशान हो रहा है। मेरे को जब परेशानी हो रहा है तो मेरे को जैसे होगा उनको भी उसी तरह होगा। सब किए सारा चीज़ किए और इधर तो कुछ ही दिन हुआ था, दर्द हो रहा था तो गए थे तो मैं, और इतना दुआ बनाए रखे कि सब कुछ लोग जो बद्दुआ देते हैं तो उनका बद्दुआ कट जाए आप लोग की दुआ से। तो हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे, बाहर धूप और हम लोग अंदर हवा पंखा में बैठे हैं और मम्मी पापा खेत में जाके खट रहे हैं, बहुत सोच भी लग रहा है लेकिन क्या करें दोस्तों, मजबूरी है तब ना, आज इस स्थिति में तब ना। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए अभी तो ऐसे 12 बज रहे हैं, मैं टाइम दिखा रही हूँ, अभी तो मोबाइल ऐसे चार्ज में है, 12 बज रहे हैं बट, तो अभी क्या कहा जाए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो दोस्तों ऐसे कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब था, कल हम एक रील्स तक भी नहीं बना पाए थे, खाना भी नहीं बना पाए थे, सिवा ही खाना बनाए थे, वो भी खाना में चावल दाल आलू का चोखा बनाए थे अच्छा से, वो तो मन के चलिए जेंट्स हैं किस तरह बनाया, कभी खाना भी नहीं बनाया था तो जैसे हुआ उस तरह बनाया। इतना मेरा हालत ख़राब हो गया था इतना कि क्या बताएं, मतलब भर दिन कल सोए ही रह गए, भर दिन ना नहाए ना खाना बना पाए कुछ भी नहीं। और इस हालत में आप लोग को तो पता ही है, अब तो आप लोग से सारी बातें मैं बता दी हूँ, सारी बात पता है कि किस स्थिति में अभी हम हैं। और इस स्थिति में अगर जब खांसी हो अचानक और इतना ज़ोर ज़ोर से खांसी होता था कि पूरा जरा मेरा पेट में ही पड़ता था पूरा, और खांसते खांसते ये सब पूरा धोना से भी इतना ज़्यादा दर्द करने लगता था कि मत पूछ। दोस्तों खांसते खांसते ना पेट दर्द करने लगा था और लग रहा था कि मेरा पूरा जो है ना बेबी परेशान हो रहा है। मेरे को जब परेशानी हो रहा है तो मेरे को जैसे होगा उनको भी उसी तरह होगा, तो इसीलिए सोचे डॉक्टर जी से दिखा देते थोड़ा सा, क्योंकि इस सब हालत में बिना पूछे दवाई भी नहीं खाना चाहिए, बिना पूछे सिरप सब भी नहीं पीना चाहिए, कोई भी चीज़ चाहे कितना कुछ क्यों ना हो। तो इसलिए हम घर से बाहर रह रहे हैं कि कोई भी परेशानी आए, कोई भी दुख तकलीफ आए तो तुरंत हम डॉक्टर जी से संपर्क कर सके, दिखा सके। तो कल गए दिखाए, इनके बाद दवाई सब दिए हैं, जो भी दवाई चेकअप सब किए सारा चीज़ किए, और इधर तो कुछ ही दिन हुआ था, दर्द हो रहा था तो गए थे तो वीडियो नहीं बना पाए थे। और कल भी गए तो मान के चले आप बीमार पड़े हैं, इस हालात में कौन वीडियो बनाएंगे, कोई तीसरा चौथा तो है नहीं, ज़्यादा आदमी रहते हैं तो चलो भाई हम सब काम कर रहे हैं, हम सब जा रहे हैं तो कोई बना देंगे, हम दो ही आदमी थे। अगर जो हमको कुछ होता है ना तो हमारे हस्बैंड जी पूरा परेशान हो जाते हैं, वीडियो सब नहीं बना पाते हो, इस वजह से गए तो नहीं दिखा पाए, नहीं तो हम सोचते हैं कि ए टू जेड आप सभी को दिखाए ताकि आप सबको ये ना लगे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कारणवश नहीं दिखा पाते। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये सब झूठ बोलते हैं, दिखाते नहीं हैं, हम लोग का मजबूरी हो जाता है नहीं दिखाना दोस्तों। और देखिए अभी दवाई सब लाए हैं और वहाँ पे भी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अभी वहाँ पे दवाई है, जितना भी प्लास्टिक में है सारा में दवाई ही है। ऐसे तो उस रोज भी दवाई लिए थे और खांसी बहुत 5 रोज हो गए दोस्तों, इनके बाद जब छूट नहीं छूटा और तेज हो ही जा रही थी तब जाके देखा है आज, लेकिन सही है, बहुत सही है, सही है। तो सुबह सवेरे जगे, इनके बाथरूम वगैरह सब बाहर, हम सही रहते हैं तो बैठे नहीं रहते हैं दोस्तों, हमें भी लगता है कि कुछ चलेंगे फिरेंगे तो मेरा भी सेहत अच्छा रहेगा। जगह इनके बाद ये सब हमारे हस्बैंड ये सब चले गए सब्जी लाने, आज सब्जी नहीं थी ख़त्म हो गए थे, कल मेरे में ही लग गए थे, मेरा तबीयत खराब था तो नहीं जा पाए मार्केट सब, तो सब्जी सब नहीं ला पाए थे, ख़त्म था तो इसलिए कल आलू का चोखा ही बना था। तो आज सुबह सवेरे गए सब्जी लाने के लिए, तब तक हमें इधर नहा धो के पूजा सब कर लिए और साड़ी वगैरह सब पहन के सोचे तब खाना बना लेते। तो आप लोग रील्स बनाए हमारे हस्बैंड जी आज, आप लोग जाके देखिएगा और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। आज सही थे दोस्तों, तो चावल सब्जी बनाए अच्छे से और अच्छे से हम सब खाए, और अभी यहाँ पे सोचे चलिए आप लोग से बात शेयर कर देते हैं, अच्छा रहता है जो भी चीज़ होता है। और आप लोग सब दिन सपोर्ट किए हैं इस तरह और इसी तरह प्यार दुलार देते रहिए, तो सोचे ये भी बात बताना आप लोग से ज़रूरी बनता है, क्योंकि हम लोग का रोज का तो यही है कि आप लोग से क्या नया खबर आता है, क्या कुछ मेरे साथ होता है, मैं कैसे जी रही हूँ, और आप सब भी देखने के लिए बहुत लालसा रखते हैं, तो इस वजह से सोचे चलिए आप सभी को बता देते हैं कि कल हम डॉक्टर के पास गए थे और मेरे साथ इस तरह का हुआ। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह ढेर सारा प्यार दुलार देते रहिए जिस तरह प्यार दुलार दे रहे हैं,
और जब तक मेरा डिलीवरी हो ना जाए पूरी तरह से, तब तक आप लोग को न्यू न्यू कंटेंट आते ही रहेंगे, मतलब किस तरह मैं रह रही हूँ और मेरे साथ क्या क्या हो रहा है आप सभी को देखने को मिलेगा। और आप सभी इसी तरह प्यार दुलार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह आप लोग दुआ बनाए रखे, बहुत सारे लोग दुआ दी हम देखे हैं, और इतना दुआ बनाए रखे, इतना दुआ बनाए रखे कि सब कुछ लोग जो बद्दुआ देते हैं तो उनका बद्दुआ कट जाए आप लोग की दुआ से। तो हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों ऐसी क्या बताएं, हम ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं चाहते क्योंकि हम घर मतलब मम्मी जी आज सुबह भी कॉल की, ऐसे रोज करती है सुबह शाम तीन, जब भी टाइम मिलते हैं मम्मी जी को तो घर से कॉल करते रहते और बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ मत बोलो, जब तक हो ना जाए वो सब कुछ मत बोलो, जब तक हो ना जाए वो सब भी एनी टाइम भगवान का नाम लेते ही रहते हैं क्योंकि सबको लालसा है और किस तरह मेरा जिंदगी कटा है सबको पता है, मेरे ससुराल वाले को, इसलिए सब चिंतित रहते हैं और पल पल की खबर वो सब भी लेते रहते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब ससुराल छोड़ के है तो नहीं, वो सब खुद बोले हैं कि चलो जहाँ अस्थाई रूप से अच्छे से रहे ना हम भी वहीं खुश हैं, जो कि मेरे लिए ना मम्मी पापा कितना कुछ करते हैं आप सभी को तो पता नहीं होगा दोस्तों, लेकिन क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं और हमारे हस्बैंड भी जानते हैं। अभी इतना बाहर धूप और हम लोग अंदर हवा पंखा में बैठे हैं और मम्मी पापा खेत में जाके खट रहे हैं, बहुत सोच भी लग रहा है लेकिन क्या करें दोस्तों, मजबूरी है तब ना, आज इस स्थिति में तब ना, नहीं तो आदमी बहुत सोच भी लग रहा है लेकिन क्या करें दोस्तों, मजबूरी है तब ना, आज इस स्थिति में तब ना, नहीं तो आदमी का 9 महीना भी हो जाता है, जब डिलीवरी होने का समय भी आता ना तो फिर भी काम करते रहते, लेकिन मेरा शरीर उस तरह नहीं है। और क्योंकि देखे हैं सब देखे हैं, मेरे को क्या, मेरे से ज़्यादा तो मेरे गार्जियन को सारी बातें बताए हैं, डॉक्टर जी कैसे रखना है, किस तरह रखना है, नहीं रखना है, इस वजह से ना आज रख रहे हैं। नहीं तो कितने लोग होते हैं कि उनको ताना मार मार के पूरी तरह से उनका मेंटलिटी टॉर्चर कर करके ख़त्म कर देते, लेकिन हमारे सास ससुर हमारे ससुराल वाले में ऐसा किसी को नहीं है। और कोई कुछ करे ना करे हमको उसे कोई तकलीफ नहीं है, बट हमारे जो हस्बैंड जी हैं और सास ससुर हैं, मतलब चार हम हैं, चार परिवार, हम हमारे हस्बैंड जी और सास ससुर, और चारों में से तीनों में से कुछ भी नहीं बोलते तो हमें क्या फिक्र, उनको ही सारी बातें बताते, जो भी चीज़ मेरे को होता है तो सारी बातें वही सबको बताते क्योंकि मेरे गार्जियन हैं वो, तो उनको सारी बात बताते तो वही सब सारा चीज़ करते। और दोस्तों आजकल पल पल की खबर, और हम पानी नहीं पीते तो गर्म पानी ला के रख देते हैं यहाँ पे, जगा के सो जाते तो जगा के पिलाते हैं, हम नहीं खाना बना पाते हैं तो जाते हैं, झाड़ू नहीं मार पाते तो अपने खुद से झाड़ू मारते हैं, अब और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और आप लोग देख रहे हैं आज करीब 1.5 महीना से 2 महीना से देख रहे हैं कि कभी भी अभी हम लोग का झगड़ा लड़ाई नहीं हराम, भगवान से प्रार्थना करते कि इसी तरह हम सब में हिल मिलकर हम सब रहे, बहुत अच्छा लगता है। पहले अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा पैसा के चक्कर में कंट्रोवर्सी चालू कर देते हैं, इनको उनको नौटंगी चालू कर देते, तो नहीं दोस्तों हम लोग का ये सच्चाई रहता है इसलिए दिखाते हैं। अभी नहीं होता हम लोग का झगड़ा तो कहाँ दिखा रहे हैं, दिखाया कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है चाहे मेरे साथ बुरा ही क्यों ना हो वो भी अच्छे के लिए होता है, क्या पता जब अभी बुरा हो रहा आने वाले समय में अच्छा हो, तो इसलिए हम बुरा समय को भी अच्छे ही मानते हैं, अच्छे समय को अच्छे ही मानते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।